हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जानवासी। आज बहुत अच्छा दिन है। सबसे पहले तो मैं स्नेहा को बधाई दूंगी, आज उसका जन्मदिन है। आज उसने मुझे सुबह सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि माँ मुझे आशीर्वाद दो। तो तुम लोग भले मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मैं गुरु हूँ, गुरु होने के नाते यही आशीर्वाद दूंगी कि आपको सब बुद्धि दे और भगवान आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाए। बस इससे ज़्यादा तो मेरे से उम्मीद नहीं रखना। दूसरी बात, आज बहुत अच्छा दिन है। आज हर साल हम लोग रक्षाबंधन की पार्टी करते हैं और हर साल हर औरतें मुझे राखी बांधने आती हैं, राखी का पर्व, क्योंकि हमारा मानना है कि हम लेडीज एक दूसरे के लिए मर्दों वाला काम करते हैं। मतलब कि आज की तारीख में अगर बचाने की या हिम्मत की बात है तो हम औरतों से आगे तो आज की तारीख में कोई नहीं है, ये तो हम मानते हैं। तो हम ऐसे दिखाते हैं कि जरूरत नहीं हमें भाइयों की, हम एक दूसरे औरतों को राखी बांध के एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसका प्रतीक शाम को जब पूजा होगी, मतलब जो भी होगा फंक्शन होगा, वो आपको आएगा वीडियो, आएंगे न्यूज़ वाले सब, बहुत सारे जन आने वाले हैं। आज सारी औरतें मुझे अपना भाई बांध के राखी बांधेंगे। फिर मैं एक दो जनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। आज मेरा शुक्रवार का तीसरा उपवास है जो मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए रखा था। तो बहुत सारे लोग ना मुझे व्हाट्सअप पे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है किसी पॉलिटिकल के मामले में, तो मुझे मैसेज करते कि ये वाला वीडियो आप उद्धव भाई के आदमियों को सेंड करो, ये करो। सॉरी, पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं उनके लिए जो हेल्प कर रही हूँ ना, वो मेरी इच्छा से मैं अकेले कर रही हूँ। उनका मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, ना वो मुझे जानते हैं, ना मैं तो उन्हें जानती हूँ, लेकिन वो पर्सनली हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और ना मेरा किसी भी उनके आदमी से कॉन्टेक्ट है। कल भी मैंने यही कहा, ना मुझे कोई उनसे पैसे मिल रहे हैं, ना मैं कोई फुटेज खा रही हूँ। जाके दूर दूर तक पता करेंगे मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं। बस एक आदर्श है, एक आइडल है बाला साहब ठाकरे जी मेरे, उनको मैं अपना आइडल मानती हूँ, बस इसके लिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये सारी बातें मुझे मत भेजा करें, मत किया करें, क्योंकि मैं है ना इस वक्त दिमागी तौर पे बहुत गुस्से में बैठी हूँ, और मैं कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कल मेरा तीसरा शुक्रवार है मांडर सिंह काड़ू भाई का। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि नशे का बाजार चला रहे, नशे के बाजार में मैं उस मुहिम पे लगी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे मर रहे हैं। तो उस चक्कर में मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, मैसेज आता है कि मिलो करो। क्यों? एक बार बर्बाद करके दिल नहीं भरा, एक बार मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके दिल नहीं भरा, फिर से कर रहे हैं। अरे उस वक्त बीमार थी, नशे में थी, इसके लिए हो गई गलती, बार बार थोड़ी वही कही। इंसान क्या कुत्ता है क्या, हमेशा थूका हुआ चाटेगा? फिर से सोचोगे प्यार से अटैच होना, फिर से इसको नशे की आदत डालना, है ना? थोड़ा सोचो। देखो एक बात बताओ, मैं जिसकी पूजा रही हूँ ना, अभी इस वक्त आप लोग ना मुझसे पंगा नहीं ले रहे हो, इस वक्त आप मेरे भगवान को चैलेंज कर रहे हो, मेरे ख्वाजा जी को चैलेंज कर रहे हो, आप मेरे इल्म को चैलेंज कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ को चैलेंज कर रहे हो कि तेरे और तेरे भगवान में है तो बिगाड़ के बता हमारा। मैं क्यों किसी का बिगाड़ूंगी? मैं बिगाड़ने वाली कोई नहीं होती, बिगाड़ने वाले मेरे माता रानी है। आपको समझ में आ रहा है? मेरी माता रानी है जो सबका बिगाड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग को अगर चैलेंज लेना है तो मर्दों से लड़ो ना, मर्दों की दुनिया में मर्दों से लड़ो। एक औरत से लड़के क्या समझते हो, क्या बिगाड़ पाओगे? मैंने परसों क्या बोलते हैं, जब मैं धावजी पाटिल गई थी तो वहां मैं मुर्गा छोड़ रही थी, तो वहां मुर्गा छोड़ते समय मैंने देखा था कि मुर्गे में ये मुर्गा मतलब झटका नहीं मार रहा था, क्योंकि हमारी गोराई की पूरी बंदिश की गई है नशेड़ियों ने, जो नशे का बाजार चलाते हैं उन्होंने ऐसी बंदिश की है कि मुझे अब पता चला कहाँ बंदिश की है, क्या है, कौन से दरगाह पे, कौन सी जगह पे जाके, मजार पे जाके लोग जो काला कांडी करते हैं, बकरे बकरा चढ़ाते हैं, सब मुझे पता चला है। मैं करूँगी वो काम, लेकिन एक बात और बता देती हूँ मैं कि जो काम मैं करने वाली हूँ वो बहुत गंदा और बहुत बेकार होने वाला है, ये बात पक्की है, क्योंकि मैं किसी के नाद में लगती नहीं। तो मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। देखो मुझे अगर शुरुआत करनी है तो मैं अपनी गोराई से क्यों ना करूँ। तो अभी कैसा, हमारे गोराई में बहुत सारे लड़के मर रहे हैं, तो मेरा वादा है पूरी तरीके से, ये 30 तारीख तक, ये 30 अगस्त को मेरी काड़ू भाई ने कहा है सबको उनके किए की सजा मिलेगी, तो ये 30 तारीख तक जो इस नशे के बाजार का मेन कौन है, जो मेन बनता है, जो भी मेन डीलर है, जिसके बेसिक पे सब उड़ते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता कौन है ये, जो आज की तारीख में अपने आप को भाई से संबोधित किया जाता है, पता नहीं कौन है, 30 तारीख को उनका इंतकाल हो चुका रहेगा। ये विद्या देवी कह रही है, जो भी इस नशे के बाजार का बिग बॉस है,
उस बिग बॉस को मैं शमशान पहुंचाऊंगी, कब्रिस्तान पहुंचाने का वादा मैं करती हूँ। 30 तारीख के बाद अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा पूरी। और ये बात मैं नहीं, ये बात मुझे पूरी गोराई बताएगी, आप ये बात पूरी गोराई देखेगा, क्योंकि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि इस नशे के बाजार का बिग बॉस कौन है। तो चलो हम बिग बॉस का चेहरा दिखाएंगे, मुझे भी पता नहीं, मैं तो बस ताले फूकूंगी, क्योंकि ताले का काम कैसा है सबको बखूबी पता है। कुछ कुमाताओं को भी सबक सिखाऊंगी, क्योंकि एक बात बताओ, मैंने मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है नहीं, मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पेट में पल रहा है बच्चा तुम सबको इतना जानी दुश्मन लगता है, अगर तुम्हारी जवान औलाद मर गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? खुद के पेट से जना हुआ बच्चा जब तुम्हारा पाल पोस के तुमने बड़ा किया, और तुम्हारा जवान बच्चा बकायदा, भगवान ना करे, ट्रेन के नीचे कट के मर जाएगा, टेम्पो के नीचे कट के मर जाएगा, कुछ होगा, तुम्हें कैसा लगेगा ये बताओ मुझे बस। तो ये काम भी 30 अगस्त को होने वाला है। और अब तक तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया था, लेकिन अब आज से, अभी से आपके घर में जो भी बुरा वक्त आएगा या जो भी बुरा होगा, ये उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। मुझे नहीं मालूम किसने किया। जिसके साथ भी बुरा होगा, अब ये पूरा मैं नहीं, ये पूरा इंडिया देखेगा, पूरा भारत देखेगा, जिसने अब मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की, बार बार मेरे भगवान को चीट करने की कोशिश की, मेरे जिन्नातों को चैलेंज करने की कोशिश की, अब मेरे जिन्नात तुम्हारे घर में घुसेंगे। मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी दो दो जवान बेटियां हो गई है, तुम्हारी ऐसी उम्र हो गई, तुम्हें प्यार करना शोभा देता है। मतलब एक 50 साल की औरत प्यार कर सकती है ना? वो बाकी सारी औरतें मतलब एक कहते ना 10-10 बॉयफ्रेंड लेके घुमा सकती, लेकिन एक विद्यादेवी पुजारी इसलिए प्यार नहीं कर सकती, दो जवान बेटियों की माँ है इसलिए प्यार नहीं कर सकती, है ना? बाकी तुमने भले अपनी जवानी में कितना भी कांड करके नीले पीले बच्चे पैदा करके बड़े क्यों हो, चलेगा, अपनी जवानी का कांड सब भूल जाते हैं। मुझे मेरे को याद दिलाते कि मैं जवानों की बुढ़ी हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज ये भी मैं मैटर खत्म करती हूँ। मैंने आज से अपनी काड़ू भाई की कसम, मैं आज से, अभी से मैं तो 2 दिन से कर लिया, मैं काड़ू भाई जिस दिन गई थी ना उसी दिन मैंने कसम खा लिया था कि विद्या देवी आजीवन आज से अपने ऊपर किसी भी मर्द की परछाई नहीं पड़ने देगी। मैं अपने परिवार के साथ रहूंगी, बच्चों के साथ रहूंगी, पति के साथ रहूंगी, लेकिन आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत करूंगी, कभी अपने पर किसी आदमी की परछाई नहीं पड़ने दूंगी। और कभी आप ये सुनेंगे ही नहीं कि विद्या देवी ने कभी प्यार किया या प्यार मोहब्बत में कही गई, कुछ नहीं। आज से सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी भगवान की पूजा करेगी, लेकिन इसके बदले तो मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए पता है? कि जिन लोगों की वजह से ये काम मैं करने जा रही हूँ, उनके घर में आजीवन आने वाली 7 पीढ़ियों तो उनके घर में कभी किसी को औलाद का सुख नहीं होगा, ना लड़का होगा ना लड़की होगी, तुम्हारे मरने पे कोई तुम्हें दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, तुम्हें कोई कांधा देने वाला नहीं रहेगा, ये वादा मेरा है। क्योंकि ये मैं नहीं, मेरी काड़ूबाई करेगी। एक औरत के लिए मर्द इतना जरूरी नहीं होता, सिर्फ माथे पे सिंदूर है ना वो बहुत काफी है मेरे लिए। मेरे माथे पे सिंदूर चमकता रहे और इसी सिंदूर के चमकते हुए मैं अपने पति के कंधे पे सवार होकर शमशान जाऊं, यही काफी है। मैं क्या सोने के लिए मरी नहीं जाती हूँ किसी के साथ। लेकिन ये बात जिसने जिसने कही है ना, उसको खुला चैलेंज कि मेरी कमजोरी मैं हटाती हूँ। एक औरत की कमजोरी ये नहीं होती है, भगवान ने कहा है कि पति की सेवा सबसे पहली सेवा होती है, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ऐसा है कि मुझे ये सब शोभा नहीं देता है। मेरी दो जवान बेटियां तो मुझे शोभा नहीं देता है, आप लोगों को शोभा देता है ना? ठीक है, आप लोग शोभे मानो भाई, आप लोग बड़े लोग हो भाई, आप जैसे लोगों कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों को बॉयफ्रेंड पटाने का हक है, आप लोगों को घर में गंदगी करने का सब करने का हक है, विद्या देवी को कोई हक नहीं है। विद्या देवी प्यार नहीं कर सकती है, विद्या देवी कौन होती है प्यार करने वाली? ठीक है, नहीं करूंगी मैं, लेकिन मैं आज से जीवन जब तक मैं जिंदा रहूंगी बाल ब्रह्मचार्य का व्रत करूंगी, मुझे कोई आदमी, मेरा पति भी मुझे ऐसा उंगली करके टच नहीं करेगा, ये वादा है मेरा। लेकिन उसके बदले मैं इतना वादा जरूर करती हूँ कि देख लेना तुम्हारी अभी जब जो भी औलाद है वो भगवान करे सुखी रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में उन औलादों को औलाद का सुख नहीं होगा। तुम्हारी पीढ़ियों में अब कोई भी शादियां होंगी वो शादियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी, तुम्हारे घर की बहुएं साल भर के अंदर विधवा हो जाएंगी, तुम्हारे घर के अंदर कोई भी जनरेशन बड़ी नहीं होगी, कोई भी औलादे पैदा नहीं होंगी, अगर कोख से होंगी तो वो औलादे गिर जाएंगी, मर जाएंगी। ये देखिए किसके किसके साथ होता है। बहुत शौक है मृतक आने का, लेकिन जब एक ब्राह्मण जात की भारतवाज गोत्र उत्पन्न विंध्यवासिनी की बेटी अगर श्राप देगी और वो श्राप नहीं लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये काम मैं आज से करूंगी। मैंने अपनी काड़ूबाई की कसम खाई है, मैंने तो पहले 2 दिन पहले ये कसम खा ली थी कि सबको यही बुरा लगता है कि विद्या देवी कैसे सुख से रह सकती है।
मेरी सुंदरता पे वो करते, मैं कोई सुंदर नहीं हूँ। बाकी सुहाग कहते ना, एक औरत जब अपने माथे पे कुंकू लगाती है वो सिंदूर से ही एकदम सुंदर दिखने लगती है। मेरा सिंदूर हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा, मेरे सिंदूर में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन तुम जैसों का मुंह 30 तारीख तक अगर मेरी माँ काड़ू भाई ने काला नहीं किया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं समझू की मेरी माँ 10 के पास सोने गई थी तब मैं पैदा हुई रहूंगी, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ। और वो भी सारी औरतों को, मतलब कैसे बच्चे होते हैं, मेरी माँ को तो जब पहली बार पारी आया था तभी मैं रुक गई थी, तो मैं तो पहले से ही भगवान की बेटी हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने आप को भगवान में सौंपने पे। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर मेरी काड़ू बाई का, मेरी मांडरची काड़ू बाई का, माहूरगढ़ की रेणुका माँ का, मेरी मोंगल माँ, मेरी मेलड़ी माँ के नाम पे अगर मैंने सच्चे दिल से उपास रखा है ना माँ, तो इन्हें कभी औलाद का सुख मत होने देना। जिस तरह से ये मेरी औलाद के पीछे पड़े, जिस तरह से मेरा औलाद मेरे पेट में पनपते भी बाहर नहीं आ पा रहा है, वैसे इनके सारे पाप इनके बाहर लाना, इनको दिखाना कि जब माता रानी की बेटी से सब पंगा लेते तो माँ मेरी क्या करती है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। जय माता रानी।